है मास्किंग टेप के 23 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके हमेशा बहुत काम आने वाले हैं। जब कभी भी आपने पेंट ब्रश को पेंट करके और इसी तरीके से रख दिया तो ये जो हेयर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। अगर आपको एक दो घंटे बाद वापस ब्रश को यूज करना है या मान लीजिए आपको दूसरे दिन भी ब्रश को यूज करना है तो आप इसको इसी तरीके से रख सकते हैं। आप इस पे इस तरीके से पेंटर टेप, ये जो मास्किंग टेप है, इसको इससे आप रोल कर सकते हैं। रोल करने के बाद जब भी आप इसको निकालेंगे तो ये आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। जब कभी भी आपको फर्नीचर के आप फिक्सचर्स वगैरह या फर्नीचर को डिसमेंटल करते हैं तो इस तरह के कुछ स्क्रूज या फास्टनर्स निकल जाते हैं और इनको हमारे को बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी गुम हो जाता है तो हमें वापस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप इनको इसी मास्किंग टेप में इस तरीके से रख सकते हैं और उसके बाद इस मास्किंग टेप को आप फोल्ड कर सकते हैं तो ये जितने भी आपके फिक्सचर्स हैं ये बहुत इजीली इसमें ग्रिप होके रहेंगे। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप और मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे आपको किसी भी वुड मटेरियल पे ड्रिलिंग करनी होती है लेकिन आपका जो पीस है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी तरीके का क्लैंप नहीं होता। जब आप इसको ड्रिल करते हैं तो ये कभी कभी मूव हो जाता है इधर उधर, तो इसके लिए मास्किंग टेप एक क्लैंप का भी काम कर सकती है। आप मास्किंग टेप का इस तरीके से एक राउंड बना लीजिए और उसको अपने पीस के नीचे इस तरीके से लगा लीजिए। तो हम इस तरीके से रोल करके इन दोनों मास्किंग टेप को लगाएंगे और उसके बाद अपने पीस को यहाँ पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि ये पीस इजीली नहीं हिल रहा है। तो इस तरीके से जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो आपकी ड्रिलिंग परफेक्ट होगी और पीस इधर उधर मूव नहीं करेगा। जब भी आपको ड्रिलिंग करनी हो वॉल्स में, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये एक वॉल है और इसमें आप इस तरीके से मास्किंग टेप को लगा लेंगे। मास्किंग टेप को लगाने के बाद जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो आपका जितना भी डस्ट है वो सारा इस मास्किंग टेप में आ जाता है। कभी कभी हमें टेम्परेरी कनेक्ट करना पड़ता है दो वुड के पीसेस को, तो उसके लिए भी आप इस मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं। हमने इस पीस पे मास्किंग टेप लगाया और इस पीस पे भी मास्किंग टेप लगाया। और उसके बाद हमने इस फेविकॉल को यहां पे लगाया और अब हम इसको टेम्परेरली जोड़ देंगे। अभी हमने इसको दो घंटे रखा है और अब इसका हम देखते हैं कितना हार्ड हो गया है। ये बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है। आपको टेम्परेरी अगर किसी स्ट्रक्चर को बनाना है तो आप इस तरीके से मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये पेंट करवाया था तो इसका कोड मैं ना भूल जाऊं, इसके लिए मैंने मास्किंग टेप पे ये कोड लिख के और अपना जो स्विच बोर्ड है इसके पीछे एक स्ट्रिप लगा दी ताकि जब भी मेरे को वापस इसको पेंट करवाना हो मैं इस स्विच बोर्ड को उतार सकता हूं और वापस इसी कलर को करवा सकता हूं। जब भी आप जॉब साइट्स पे होते हैं आपके पास इस तरह का मेजरिंग टेप होता है और आप अलग अलग जगह की मेजरिंग लेते हैं, उन मेजर्स को लिखने के लिए आपके पास पैड नहीं होता है, उस वक्त आपको जो पेपर की जरूरत होती है उसका काम करती है ये मास्किंग टेप। आप इस मास्किंग टेप को अपने मेजरिंग टेप पे इस तरह लगा सकते हैं और उसके बाद आप जितनी भी मेजरिंग करेंगे सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको जिस किसी पीस की कटिंग करनी है उस पे आप मास्किंग टेप को लगा सकते हैं और उसके बाद जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कटिंग है वो बहुत ही स्मूथ हुई है। कभी भी आपको वुड पे या फिर
सिरेमिक टाइल्स पे ड्रिलिंग करनी हो तो आपको हमेशा मास्किंग टेप का यूज करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि मास्किंग टेप के यूज करने के बाद जो ड्रिल बिट है वो इधर उधर मूव नहीं होगी। बहुत इजीली होल हो जाता है जब हम मास्किंग टेप का यूज करते हैं। जब भी आप इस तरह के पेंट के बॉक्सेस को यूज करें तो जब भी आप इसको ओपन करें, ओपन करते ही आप इसके ऊपर इस तरह से मास्किंग टेप को जरूर लगाएं। इस तरह से मास्किंग टेप लगाने के बाद जब भी आप इसको पोर करेंगे किसी और चीज में या निकालेंगे इसको, तो जो ये एरिया है ये खराब नहीं होगा, और आप जब भी इसको वापस ढक्कन लगाएंगे तो वो ढक्कन इसमें जाम नहीं होगा। और आप पेंट ब्रश से पेंट लेते भी हैं तो भी आपका जो बॉक्स है वो बिल्कुल साफ रहेगा। कभी कभी इस तरह की स्ट्रिप्स को लगाने के लिए हमें बहुत महंगे क्लैंप्स का यूज करना पड़ता है। मास्किंग टेप बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अब आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट हुआ है और इजीली ये रिमूव भी नहीं हो पा रहा है। और इजीली अगर आप इसको इसमें ड्रिल भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जब भी हमें कोई नई पेंट ब्रश को यूज करना होता है तो हमारी पेंट ब्रश यहां से खराब ना हो, इसके लिए हमें इसको कवर कर देना चाहिए मास्किंग टेप की हेल्प से। तो आप कितनी भी पेंट ब्रश को यूज करें, जब भी आप इस मास्किंग टेप को हटाएंगे आपका जो ये वाला पोर्शन है ये हमेशा बिल्कुल नए की तरह रहेगा। हमें पेंट करते वक्त अगर किसी चीज को छुपाना है और या किसी स्ट्रेट लाइन को लाना है तो उसके लिए हम इस मास्किंग टेप की हेल्प ले सकते हैं। यहां पे हम मास्किंग टेप को लगा के तो अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला पेंट कितना स्ट्रेट हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं ये ब्लैक और व्हाइट पेंट हमने किया, कितना स्ट्रेट पेंट आया है मास्किंग टेप की हेल्प से। इस ट्रिक को आप अपने हर काम में यूज करें। जब भी इस तरह का कोई आइटम वॉल पे हैंग करना होता है जिसमें दो स्क्रूज लगेंगे, या फिर कोई पिक्चर फ्रेम है जिसमें दो स्क्रूज लगेंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि इसको आप, सपोज ये आपका वॉल है तो आप इस पे किस तरीके से इसको लगाएंगे, आप यहां से इसको मेजर करेंगे या कैसे मेजर करेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए भी जो सॉल्यूशन है वो मास्किंग टेप है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम मास्किंग टेप को अपने जो होल्स है उनके ऊपर लगा लेते हैं, और उसके बाद हम इस पे ऐसे निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी वॉल पे जब इस चीज को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके जब हम इसमें ड्रिल करेंगे तो आपके जो होल्स होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे और ये बहुत इजीली इस पे फिटिंग हो जाएगा। जब भी आप अपनी वार्डरोब या अलमारी पे इस तरह के मैग्नेट का कोई आइटम लगाते हैं, मैग्नेट का चाहे वो हुक हो गया या कुछ हो गया, तो कुछ दिनों में जो जहां पे आप इस मैग्नेट को लगाते हैं वहां पे स्टेन्स या दाग पड़ने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए आप मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं और अपने मैग्नेट के चारों तरफ आप मास्किंग टेप को लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इस मैग्नेट को अगर लगाएंगे तो कभी भी स्टेन नहीं होगा। हम इस तरह से मास्किंग टेप को अपने फ्लोर पे या जिस
किसी वुडन पीस पे हम काम कर रहे हैं उस पे हम इसको लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें अगर किसी भी तरह का एपॉक्सी मटेरियल या फिर फेविकॉल हो गया या कोई भी तरह का एडहेसिव मिक्स करना है या फिर यूज करने के लिए रखना है तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। इससे ना तो हमारा पीस खराब होगा ना हमारा फर्श या कुछ भी खराब होगा। यूज करने के बाद आप इसको इस तरीके से वापस उठा सकते हैं और इस तरीके से निकाल सकते हैं, और देखिए आपका पीस बिल्कुल साफ है। जब भी आप किसी हाइट पे काम कर रहे हो तो आप अपने हाथ में इस तरह मास्किंग टेप को लगा सकते हैं और स्क्रूज को स्टक कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने ड्रिल मशीन को यूज करते हुए स्क्रूज को टाइट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल हमेशा जो आपका नीचे का बेस है उस पे टकरा जाती है, उसको भी खराब कर देती है, तो इसके लिए हम इस गाइड का यूज कर सकते हैं। हम मास्किंग टेप को यहाँ पे लगा लेते हैं और उसके बाद हम इस ड्रिल से होल करेंगे, और जैसे ही हम मास्किंग टेप के नियर पहुंचते हैं हमें पता लग जाता है कि हमें इतना ही होल करना है। तो ये ट्रिक भी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप स्क्रूज को टाइट करते हैं तो ये जो ड्रिल बिट है वो रेस्ट नहीं करता स्क्रूज के साथ, या कभी आप हाइट पे स्क्रूज को टाइट करते हैं तो भी आपको दोनों हाथों को लगाना पड़ता है, तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। इसके लिए आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आप मास्किंग टेप को इस तरीके से रखेंगे और जो ये स्क्रू है उसको मास्किंग टेप के बीच में से निकाल देंगे, और उसके बाद आप इसको इसमें लगा के स्क्रू ड्राइवर बिट पे टाइट कर देंगे मास्किंग टेप को, और अब आप बिना किसी हेल्प से स्क्रू को इजीली टाइट कर सकते हैं। जब भी आप क्लैंप्स को यूज करते हैं तो इसका जो ये फेस होता है ये बहुत बार डैमेज हो जाता है, और अगर हम किसी फाइन पीस को यूज कर रहे हैं तो उसको जब हम टाइट करते हैं तो वो उस पीस की लुक को भी डैमेज कर देता है। उसके लिए भी आप इस मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं और अपने क्लैंप पे यहाँ पे आप मास्किंग टेप लगा सकते हैं ताकि जब आप इसको क्लैंप करें तो पीस बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप इस तरह के फोटो फ्रेम्स का अगर काम करते हैं तो आपके लिए मास्किंग टेप बहुत ही यूजफुल है। आप इस तरह से मास्किंग टेप रख के और उसके ऊपर अपने पीस को रख के और बहुत इजीली इनको लगा सकते हैं। कभी कभी आपने नोट किया होगा जब आप इस तरह से फेविकॉल लगाते हैं और इन पीसेस को जॉइन करते हैं, जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये फेविकॉल इस जगह पे आ जाता है, और इस जगह पे आने के बाद इजीली रिमूव नहीं होता, तो इसके लिए हम यहाँ पे भी मास्किंग टेप को लगा सकते हैं। और अब अगर हम इसको लगाते हैं तो अगर थोड़ा भी फेविकॉल यहाँ बाहर आता है तो वो बिल्कुल भी इस पीस को खराब नहीं करेगा। जब भी आप सिलिकॉन सीलेंट को यूज करें तो आप मास्किंग टेप की हेल्प से बहुत अच्छा सिलिकॉन सीलेंट लगा सकते हैं, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम मास्किंग टेप को यूज करेंगे सिलिकॉन सीलेंट को लगाने के लिए। सपोज हमें इस जगह सिलिकॉन सीलेंट लगानी है तो हम सबसे पहले मास्किंग टेप को नीचे वाले हिस्से पे लगाएंगे और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से पे भी मास्किंग टेप को लगा देंगे, और अब हम देखते हैं अपनी सिलिकॉन सीलेंट को लगा के। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सिलिकॉन सीलेंट हमने लगाया है। आप इस ट्रिक को जरूर यूज करें। हम इस तरीके से जो अपना मास्किंग टेप है उसको हम कट करके और इन बॉक्सेस पे लगा लेते हैं, और
इस पे हम मार्क कर सकते हैं कि इस बॉक्स में हमने अगर ड्रिल बिट्स रख रखी है तो हम इसको ड्रिल बिट्स लिख लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग बहुत इजी हो जाती है और हमें अपने बॉक्सेस को ढूंढना नहीं पड़ता। आप अपनी स्टेशनरी और फूड सप्लाईज को भी इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस साल की फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने मास्किंग टेप की 23 ऐसी ट्रिक्स की बात करी जिनको जानने के बाद आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप प्लम्बर हैं या कारपेंटर हैं या टूल से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको अपने साथ मास्किंग टेप को हमेशा रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल टेक बिहाइंड टूल्स को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर आपको टूल से रिलेटेड ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के बारे में और वीडियोस हम देते रहेंगे। इन वीडियोस को देख के आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।